है अदानी ग्रुप की सारी एंटिटीज। MSCI आज रिविजिट रिव्यू करेगा इनके वेटेजेस, आज शाम को डेवलपमेंट शायद रिपोर्ट किया जाए। और दूसरी तरफ जो फ्रांस की टोटल एनर्जीज है, वो जो 50 बिलियन इनके हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करना चाहती थी, वो कल अर्निंग्स कॉल में उन्होंने मेंशन करा है, फिलहाल के लिए रोक रहे हैं उस प्रक्रिया को। तो पूरा ग्रुप आज एक्शन में रह सकता है। ट्रेंट हर्षदा ने मेंशन करा है, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, रिकॉर्ड क्वार्टरली सेल्स डिलीवर करी है और सत्व हिसाब भी बुलिश है स्टॉक को लेकर। कमिंस और वाकई बहुत अच्छे नंबर्स है, मार्जिन्स इसके मेरे ख्याल से 350-400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और बढ़िया टॉप डाउन बीट है। ओबेरॉय रियल्टी के नंबर्स अच्छे हैं, साल दर साल रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े काफी स्ट्रांग आते हुए। हिंडाल्को इसके ध्यान रखिए, निफ्टी की इकलौती कंपनी जिसके नंबर्स आ जाने वो है हिंडाल्को। नोवलिस के नंबर्स के बाद इसने बहुत प्रेशर झेला हुआ, इसके आम के नंबर्स आए थे इसी हफ्ते की शुरुआत में, देखते हैं आज कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे आते हैं सामने। इनके अलावा आज HAL, HPCL, IRCTC जैसी 9 कंपनीज वायदा बाजार की और हैं जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। फोकस में आज पूरा मेटल एज अ स्पेस रहेगा, कल बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस मेटल ने दिखाया था, 4.25% इंडेक्स उछला था। आज चाइना के फिच रेटिंग्स ने बहुत तगड़े GDP अपग्रेड करने के अपडेट्स आए, 4.1 से अब 5% कैलेंडर ईयर 2023 में शायद चाइना की GDP बढ़ती हुई नजर आए। देखते हैं ये स्पेस कुछ रिएक्ट कर पाती है नहीं कर पाती, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ देर पहले गाबा सर ने स्पेस के हाईलाइट भी करे हुए। पिरामल फार्मा नंबर्स बहुत कमजोर, मार्जिन लिटरली इरोड होते हुए नजर आ रहे हैं और इस कंपनी ने घोषणा करी है कि एक राइट, ये गलत स्टॉक लगा हुआ है नीचे, पिरामल फार्मा की बात हो रही है, राइट इशुएंस के चलते डाइल्यूशन भी आना है, 1050 करोड़ रुपए का राइट्स कर रहे हैं। अच्छा, बैंकिंग एज अ स्पेस रडार पे, कल निफ्टी अच्छा प्रोपेल कर रहा था, निफ्टी बैंक पस्ट पड़ा हुआ था और आज फिर वो अदानी ग्रुप रिलेटेड थोड़े से कंसर्न्स माउंट होते हुए, तो देखते हैं बैंकिंग एज अ स्पेस या इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। और फाइनली वायदा के कर्व का अपडेट, 2 स्टॉक्स हैं, अंबुजा मेरे ख्याल से सीमेंट कर्व में था, वो कंटिन्यू होता हुआ, जोड़ दीजिए उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो वायदा के कर्व में एड होता हुआ। शुक्रिया आशीष इन तमाम स्टॉक्स पर खबरों को समझाने के लिए, एक एक करके अब एक काम करते हैं, जरा लेके आइए निफ्टी निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।